गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए सबसे पहले मैं मोटिवेशन सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। राहे जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, मत पूछो दरिया से कि नीर कहां तक जाएगा, बांध धनु की डोर को साध निशाना मंजिल पर, बांध धनु की डोर को साध निशाना मंजिल पर, तेरा कर्म ही बताएगा कि तीर कहां तक जाएगा। आइए आज इस मोटिवेशन सेगमेंट में हम उस इंसान को डिस्कस करते हैं जिसने वो कर दिखाया था जो असंभव था, उसने वो कर दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था। एक इम्पॉसिबल टास्क जिसको हार्ड मास का बना हुआ इंसान कभी पूरा नहीं कर सकता है। उसकी जिंदगी में वो दर्दनाक हादसा घटित हुआ जिसने उस हादसे ने पूरी दुनिया में उसको एक पहचान दिलाई, उसको आयरन मैन बना दिया। वो एक पहाड़ पर काम करता था, तभी उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है, उस पहाड़ से वो फिसलती है और उसकी डेथ हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे को उस इंसान ने अपनी जिंदगी में बैठा लिया, अपने माइंड में बैठा लिया और उससे उसे प्रतिशोध, उसने रेवेंज लेने का दृढ़ निश्चय किया। ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसी विल पावर जो आम आदमी के लिए असंभव थी, इम्पॉसिबल थी, कोई सोच ही नहीं सकता है। हजारों मशीनें भी वहां पर लगा दी जाती तो शायद वो टास्क पूरा नहीं हो पाता, लेकिन उस इंसान ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था, असंभव था। उसने एक हथौड़ी उठाई और एक छेनी उठाई और वो लग गया अपने जुनून, जबकि उस जीत से उसका कोई फायदा नहीं था, उस जीत से उसको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला था, लेकिन उसके अंदर एक बदला था कि मुझे इस पहाड़ का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि इस पहाड़ ने मेरी पत्नी की मृत्यु का कारण बना ये पहाड़, इसलिए मुझे इस पहाड़ का गुरूर तोड़ना है। उसने एक हथौड़ा उठाया, एक छेनी उठाई और लग गया अपने काम पर, पहाड़ को तोड़ने का काम, जो पूरी दुनिया के लिए पॉसिबल था, असंभव था। सारी दुनिया ने कहा ये पागल है, ये पागल एक हथौड़े और छेनी से पहाड़ तोड़ेगा, लेकिन ना उसके जुनून में कमी नहीं आई, ना उसके जज्बे में कमी आई, ना उसके परफॉर्मेंस में कमी आई। वो लगातार सतत निरंतर 22 साल अपने कार्यक्रम में जुटा रहा, वो पहाड़ को तोड़ता रहा और 22 साल में वो पूरा पहाड़ टूट गया, एक रोड बन गई, आने जाने वालों को सुविधा मिल गई और उसने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था। एक छेड़ी और हथौड़े से एक पहाड़ को ध्वस्त करना, उसका गुरूर ध्वस्त करना एक आम आदमी के लिए असंभव है। हम इस दीवार को तोड़ेंगे तो सोचेंगे असंभव है। आपको क्या करना है? आपको अपने गर्व से एक गुरूर तोड़ना है आपके पेपर का और कुछ नहीं करना है। पेपर का गुरूर है कि आप मुझे सॉल्व नहीं कर सकते, आपकी जिद है हम तेरे को 100% सॉल्व करेंगे, तेरे को थ्रू आउट सॉल्व करेंगे, ये आपका जुनून है। और उस इंसान का नाम था दशरथ मांझी, जो आज पूरे वर्ल्ड में माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। उससे बड़ा इंस्पिरेटर, उससे बड़ा मोटिवेटर कोई हो नहीं सकता है जिसने एक हथौड़ी और एक छेड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दिखाया था। यदि वो ये काम संभव कर सकता है तो क्या हम पेपर का गुरूर नहीं तोड़ सकते? क्या हम 100% मार्क्स नहीं ला सकते? क्या हम पहला रैंक प्राप्त नहीं कर सकते? क्यों? दिमाग के वाइब्स को आप डेवलप करिए। क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो फर्स्ट रैंक ही लानी है, मुझे तो 100% मार्क्स ही लाने हैं, क्योंकि पेपर और सक्सेस दया नहीं आपके गट्स पे डिपेंड करेगा। मर्सी पर कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया में। यदि आप में गट्स हैं, आपके अंदर गट्स हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ताकतवर जानवर कौन? हाथी। सबसे लंबा जानवर कौन? जिराफ। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन? लोमड़ी। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन? टाइगर। और जंगल का राजा कौन? शेर। फिर ऐसा क्यों? कोई क्वालिटी नहीं है उसमें, फिर भी वो शेर कहलाता है, जंगल का राजा कहलाता है। आप क्वालिटी वाले जानवर को तो कुछ और कह रहे थे और इधर आप कह रहे हो शेर, जो उसे भरोसा है मैं जंगल का राजा हूँ, बस मैटर इज ओवर, मैं राजा हूँ, दैट मैटर इज ओवर, मेरे में क्वालिटी है नहीं है, मुझे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जंगल का राजा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वाइब्स आती है, वो अपने माइंड प्रोसेस का, माइंड थॉट का कमाल है और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, उस जज्बे के साथ मेहनत करिए जहां पर जीत नहीं शानदार जीत हासिल हो, जहां पर सिलेक्शन नहीं फर्स्ट रैंक हासिल हो। संघर्ष क्या है? आप संघर्ष से डरते क्यों हैं? संघर्ष एक कहानी है, संघर्ष एक कहानी है जो सफल होने के बाद हर इंसान को सुनानी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्लियर? चलिए।